मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू सुनिधि ब्लॉग्स। आपका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और आपने देखा है कि बारिशें बहुत हो रही हैं, मौसम ऐसा हो रहा है, कभी तो बहुत बढ़िया हो जाता है और कभी एकदम गर्मी हो जाती है। बारिश होती रहे तो ठीक है, मगर बारिश की वजह से हुमस हो जाती है कि कुछ कहने की हद नहीं, बिल्कुल ही बकवास मौसम हो जाता है यार। बारिश से हमने देखा है न्यूज़ में इतना ज़्यादा आ रहा है, बारिश से कहीं बाढ़ आ रही है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं और पता नहीं कितने लोगों की गाड़ियाँ बहेंगी हिमाचल में तो। और अभी रिसेंटली तो दिखा रहे हैं कि बादल भी फटा है जो है। तो भाई अपने घर में रहो, कहीं मत जाओ, अभी बरसातों में तो कहीं पहाड़ों पे जाना ही नहीं चाहिए, ट्रैवल करना ही नहीं चाहिए। मैंने तो आपको सलाह दे दी है, अब आप सलाह मानो न मानो। इसलिए तो हम पहले ही बारिशों से पहले ही मसूरी हुए थे, अब बारिश हो गई है। अब तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है हर जगह, कहीं देख लो हिमाचल कुल्लू मनाली में, आप देख लो इधर केदारनाथ बद्रीनाथ, जिधर भी देख लो खूब बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अब मैंने तो सलाह दे दी है, अब मानना ना मानना आपकी काम है। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में अपना ब्रेकफास्ट तैयार करने, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस मैं हो गई रेडी अपने किचन में जाने के लिए, ब्रेकफास्ट कर लिया है, पोहा बनाया है। तो बच्चों के इतने नखरे हैं, पोहा बनाया तो तुम्हें कह रहा पोहा नहीं खाना, सुनील जी पोहा और अपना चाय वाय पी के चले गए जिम जाएंगे। अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने, बच्चों के तो नखरे भी चलते रहेंगे। कमेंट करके बताना कि आपके बच्चे भी ऐसे ही नखरे करते हैं खाना खाने में, और आप उनको ब्रेकफास्ट में क्या क्या रेसिपीज देते हैं मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं भी अपने बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज दे सकूँ। बस तो बनाती रहती हूँ, कभी सैंडविच, कभी पोहा, कभी आलू के पराठे, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ दे भी रहती हूँ, मगर फिर भी बच्चों के नखरे हैं। गाइस अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में बना रही हूँ मैं बैंगन का भरता। आप भी देखना चाहते हैं बैंगन का भरता मैं कैसे बनाती हूँ तो देखना। बैंगन का भरता जो मेरे घर पर खाता है वो बहुत तारीफ करता है। मैं अपने मुँह में यहाँ मिट्टू नहीं बन रही, बाकी कहते हैं सुनील जी तो कहते हैं बहुत स्वाद बैंगन का भरता बनाती है अपनी मम्मी जैसे बिल्कुल। तो बैंगन का भरता बनाते हैं। सबसे पहले लेंगे हम एक नई कढ़ाई, नई कढ़ाई मतलब साफ कढ़ाई। ले जा रहा है जी जीरा, लहसुन और कटी हुई प्याज। अब इसको करेंगे मिक्स वेल। गाइस अब बैंगन के भरते में सबसे महंगी चीज़ डलने वाली है, जो आज के टाइम में महंगी है, सबसे ज़्यादा कॉस्टली जो लोग सोच के यूज़ कर रहे हैं, वो है टमाटर। इसके बिना तो बैंगन का भरता बन ही नहीं सकता, और ये हम यूज़ भी कर रहे हैं। अब टमाटर कितने महंगे हो जाए क्या करें, ये है कि जहाँ तीन डालते थे वहाँ दो डाल देते हैं, जहाँ दो डालते थे वहाँ एक डाल देते हैं, मगर यूज़ तो करना ही पड़ेगा, बिना टमाटर के गुजारा नहीं है। तो देख लो जी महंगा बैंगन का भरता। अब इन प्याज में जाएगी महंगी चीज़ जो कि है टमाटर। तो गाइस इसमें डालेंगे हम नमक शमक, इसमें लाल मिर्च डालेंगे, इसमें हम हल्दी नहीं डालते, खाली नमक मिर्च और थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया। ये गए इसमें बैंगन, और सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट थोड़ा सा गरम मसाला। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि ये क्या दिखा रही है सब्जी वगैरह बनाने की, तो मैं कह रही थी कि डेली बाहर कहाँ जाएं, है ना, डेली बाहर का ब्लॉग तो बन नहीं सकता। तो मैंने कहा चलो आज अपना मॉर्निंग रूटीन से लेके रात तक का ब्लॉग बनाते हैं, मैं पूरे दिन में क्या करती हूँ। ब्रेकफास्ट बनाया है, अब जो है सब्जी बना दी है, लंच के लिए दही जमा हुआ है, अभी कपड़े प्रेस करने हैं, घर को सेट करना है, जो है डस्टिंग करनी है, देखो कितने सारे काम हैं, उसके बाद कपड़े प्रेस करने हैं जो वॉश करे हुए हैं। आप लगा लो एक हाउस वाइफ को कितने काम होते हैं, और कोई छुट्टी नहीं होती, मुझे अपने घर जाना है, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, छुटकी बजाते हुए पता ही नहीं चलता जो है। अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, मुझे नहाना है, और मैंने कहा जब पहले डस्टिंग वस्टिंग कर लूँ फिर कोई फ़ायदा नहीं था, काम करते करते फिर दोबारा पसीने आ जाते हैं, नहाया बंदा बराबर हो जाता है, घर सेट कर लूँ पहले, इसके बाद जो है ना फिर काम करूँगी। शाम को पार्क भी जाएंगे तो आपको भी ले चलेंगे पार्क शाम को। दिखाऊंगी आपको के सारे करके डस्टिंग ही दिखाई जा रही है, तो आपसे मैं मिलूंगी नहा धोने के बाद रेडी होके। तो भाई अब नहा धो के रेडी होगी, थोड़े से कपड़े प्रेस करें, और अब मैं बना रही हूँ लंच। लंच में बैंगन का भरता बनाया, आपको पता था फुल के बना रही हूँ, क्योंकि ढाई बज रहे हैं दोपहर के। और आपसे एक बात शेयर करूँगी कि जैसे अभी ना थोड़ी देर पहले हमारे घर बंदा है, कोरियर पर कोई चीज़ नहीं हुई थी, हमने जी मैंने 500 रुपये दिए साढ़े, उसके बाद खुले हुए थे बेचारा इधर उधर होने लग गया। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला आप 50 रुपये मुझे दो, भाई मैं इसको देती हूँ, खुले हैं तो वो 100 वापस कर देगा।
तो मैंने उसको 50 रुपये दिए और ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन जो डिलीवरी करने आया था तो उसको 50 रुपये दे के उसने मेरे को डालने, तो हमने एक बाल्टी लेट गई हुई है सामान लेने के लिए तीसरी मंजिल से, तो उसने देने तो मेरे रिटर्न में 100 रुपये थे, गलती से वो 200 रुपये दे गया। तो मैंने सोचा यार, मैंने कहा ये तो अब इसको बोलना चाहिए, मैंने फिर उस बंदे को कॉल बैक करा, फिर वो आया, उसको मैंने बोला भैया आपने 100 रुपये देने थे, अब गलती से 200 रुपये दे दो। तो मेरे मन में आया यार ये गरीब आदमी होते हैं उनको क्या मिलता होगा, डिलीवरी के 20-30 रुपये मिलते होंगे, और जो है मतलब कुछ गलत तो आदमी भी होते हैं डिलीवरी वाले, मगर कुछ अच्छे भी होते हैं। मगर मेरे को अपने मन में हुआ कि नहीं इसके पैसे वापस करने चाहिए, तो मैंने उसको दोबारा कॉल करके उसको बोला कि भैया आप मुझे 100 गिर जाए गलती से 200 रुपये दे दो, आके 100 रुपये रिटर्न ले जाओ। तो भाई आपके साथ भी ऐसा अगर हो तो लालच ना करके कि भी मेरे को पैसे ज़्यादा दे गए, तो ऐसे गरीब मार नहीं करनी चाहिए किसी की, इसको पैसे रिटर्न कर देने चाहिए। तो आज की ये सीख है कि किसी के साथ गरीब मार मत करो, ठीक है, कोई गलती से आपको पैसे दे जाए तो उसके पैसे वापस कर दो, क्या पता वो बेचारा किस मजबूरी में ऐसे ये काम कर रहे हैं, है ना। तो अब मैंने आपको बता दी है अपनी बात, आप रोटी बनाते हैं। Later that same evening. तो गाइस खाना बना के सो गई थी, नींद आ गई थी खाना खाने के बाद, दोपहर को पता नहीं आई जाती है, और कुछ काम वाम करो घर का थकान से हो ही जाता है। और अब बच गए हैं 6:06:10 हैं, तो पार्क के लिए रेडी होते हैं और चलते हैं पार्क में, क्योंकि अब डेंगू भी फैल रहा है, बारिश के मौसम में पानी वाली मच्छर होते हैं, तो ऐसे ही वॉक करने चाहिए कहते हैं, और निकलते हैं अब पार्क में। गाइस हमारे इस पार्क में ना इतनी ना 90 ईयर्स से अबव की लेडीज़ भी आती हैं, और ये भी आके ना लेडीज़ आके भी वॉक करती हैं, थोड़ा सा घूमेंगी एक्सरसाइज करेंगी और घूमती हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखती हैं। और यंगस्टर जो होते हैं आजकल के वो देख लो घर से बाहर निकल के राजी नहीं है, और ये देखो जी ये बैठी हुई है माजी वगैरह। मैं भी थोड़ी देर वॉक करूँगी, 15-20 मिनट वॉक करने के बाद एक दो एक्सरसाइज करूँगी, फिर 5-10 मिनट लेडीज़ बैठ के बातें करती हैं और फिर वापस अपने घर को चले जाते हैं। मतलब वॉक करके पसीने पसीने आ जाते हैं, पसीने तो वैसे ही आ रहे हैं गर्मी से आजकल, मगर थोड़ा वॉक हो जाती है तो सही रहता है, कह रहे वॉक करनी चाहिए। चलो करो एक्सरसाइज, तो करो एक्सरसाइज करो। गाइस ये देख रहे हो ये मेरी चाची हैं दोनों, कह रही है हमारी भी फोटो खींच लें, हमारे कईयों को शर्म आती है और कईयों को मतलब मज़ा आता है, ऐसे लोग ही अच्छे होते हैं बढ़िया। तो गाइस पार्क से आ गई हूँ घर और आके कर लिया चेंज और चाय वाय भी पी ली और जो है चेंज कर लिया है, और अब सुनील जी तो जा रहे हैं अपने फ्रेंड से बाहर बोटिंग पे, और अब मैं सोच रही हूँ खाना बनाऊँ कि ना बनाऊँ, क्योंकि और तो ही वही मुसीबत, अब डिनर बनाना है, उसमें तो वाइट चने भिगो रखे हैं, अब वो सोच रही हूँ कि ये बाहर जा रहे हैं तो हम भी बाहर चले जाएं। चलो तनिश और तन्मय आते हैं तो बात करती हूँ, क्योंकि तन्मय ट्यूशन गया हुआ है और तनिश भी कंप्यूटर क्लास गया हुआ है अपनी, और डिनर बनाते हैं और देखते हैं। और आज मैंने अपना डेली रूटीन दिखा दिया आपको क्या है, और शाम को पार्क से होके आ गई हूँ, डिनर करते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं करते देखते हैं बाहर जाएंगे बच्चे तो बाहर देख लेंगे मानते हैं तो। और मैं सोच रही चलो आज रेस्ट हो जाएगा थोड़ा सा, मेरे कपड़े प्रेस करने के पड़े, मैं कपड़े प्रेस कर लूँगी, खाना नहीं बनाना पड़ेगा तो उधर नहीं तो इधर, तो देखते हैं। रात ही मैं अपनी वीडियो भी यहीं करती हूँ एंडिंग, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।